हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं सोना हेयर स्टाइलिस्ट। तो आज हम लोग सीखेंगे बहुत ही प्यारा सा हेयर स्टाइल जो कि इंगेजमेंट हेयर स्टाइल है। तो सबसे पहले हमें ईयर टू ईयर सेक्शन निकाल लेना है बोथ साइड एंड उसके बाद में हमें हाफ क्राउन सेक्शन निकाल लेना है। इस तरह से आप सब देख सकते हैं, हाफ क्राउन सेक्शन निकालना है एंड हमें उसे होल्ड कर देना है एंड उसके बाद में हमें एक हॉरिजेंटल थिन सेक्शन लेना है। इस तरह से हॉरिजेंटल सेक्शन लेने के बाद में हमें उसमें से थिन थिन सेक्शन निकालने हैं एंड हम अब उसमें कर्ल्स करेंगे। कर्ल्स हमें सेम डायरेक्शन में करना है। इस तरह से आप सब देख सकते हैं, हमें मैं सेम डायरेक्शन में कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप दोनों साइड से आउट आउट कर सकते हैं, लेकिन मैंने सेम डायरेक्शन में ही कर्ल्स किया है इस तरह से। तो इस तरह से हम कर्ल्स करते जाएंगे वन बाय वन, हम थिन थिन सेक्शंस में कर्ल्स करते जाएंगे एंड अगेन हमें एक थिन हॉरिजेंटल सेक्शन निकाल लेना है एंड उसके बाद में हमें सेम टेक्निक के साथ उसमें भी कर्ल्स करने हैं। कर्ल्स करने से पहले हमें अपने सेक्शन को कॉम थ्रो कर लेना है एंड उसके बाद में हेयर स्प्रे करना है। यहाँ पर मैं गेट्स बाय का हेयर स्प्रे यूज़ कर रही हूँ एंड उसके बाद में हमें अगेन थिन थिन सेक्शन में सेम टेक्निक के साथ वैसे ही कर्ल्स करते जाना है। इस तरह से आप सब देख सकते हैं। एंड इसी तरह से हमें पूरे सेक्शन को जो हमने होल्ड कर रखा है, हम इसी टेक्निक के साथ कर्ल्स करते जाएंगे। बाद में पूरे हेयर्स में हम अच्छी तरह से हेयर स्प्रे कर देंगे। इसके बाद में हमने जो क्राउन में हेयर छोड़ रखे थे, हमें उसे अच्छे से कॉम थ्रू कर लेना है एंड उसके बाद में हमें उन हेयर की एक पोनी बना लेनी है। पोनी बनाने के लिए हमें अच्छे से टाइट रबर बैंड के साथ उसे फिक्स कर लेना है। इस तरह से पोनी बनाएंगे एंड पोनी बना लेने के बाद में हम एक डोनट ओपन कर लेंगे। इस तरह से डोनट ओपन करने के बाद में हम इसे पोनी के नीचे फिक्स करेंगे बाय यू पिन। इस तरह से हमें डोनट को शेप इन करते हुए, पूरा राउंड में शेप देते हुए बाय यू पिन उसे फिक्स करते जाना है। इस तरह से आप सब देख सकते हैं। अब पोनी के हेयर को हम लोग अच्छे से कॉम थ्रो कर लेंगे इस तरह से एंड उसके बाद में हम इन हेयर्स को भी वन बाय वन थिन थिन सेक्शन लेकर के कर्ल्स करेंगे। एंड याद रहे, कर्ल्स करने से पहले हमें एवरी सेक्शन में अच्छे से स्प्रे कर लेना है एंड उसके बाद में हमें कर्ल्स करना है। इससे क्या होगा, इससे आपके कर्ल्स जो हैं वो लॉन्ग टाइम तक स्टे करेंगे एंड आपके कर्ल्स भी अच्छे से होंगे। तो याद रहे, हमें एवरी सेक्शन में कर्ल्स करते टाइम में स्प्रे करना है। तो सेम हमें इसमें भी ऐसे ही कर्ल्स करते जाना है। Thank you.
से हमें अच्छे से पूरे हेयर में स्प्रे कर लेना है। एंड उसके बाद में हम फ्रंट करेंगे, हमें बॉक्स सेक्शन निकाल लेना है। एंड उसके बाद में हमें रूट पर छोटा छोटा बैक कॉम करना है इस तरह से। एंड हमें पूफ बनाना है, तो याद रहे हमें स्प्रे करते हुए चलना है। अब हमें करना क्या है, हमें लेयर थिन थिन सेक्शन लेयर बाय लेयर ले करके हम पूरे सेक्शन में इसी तरह से छोटा छोटा बैक कॉम करते जाएंगे। तो इसी तरह से सेम टेक्निक के साथ हमें पूरे पफ के हेयर को अच्छे से बैक कॉम कर लेना है। एंड उसके बाद में हमें अगेन एक थिन सेक्शन निकालना है। एंड जो फिनिशिंग लेयर मैंने छोड़ा है, याद रहे उसे हमें बहुत अच्छे से बैक कॉम करना है। उसमें हमें हाफ ऑफ इंच बैक कॉम करना है। एंड देख रहे हैं कि मैंने किस तरह से स्प्रेड किया है, इस तरह से स्प्रेड करते हुए आपको जाना है। उसके बाद में जो फिनिशिंग लेयर को मैंने होल्ड किया है, उसमें हमें बहुत छोटा छोटा बैक कॉम करना है। उस बैक कॉम को हमें इस तरह से करना है कि वो आउटसाइड बिल्कुल भी ना दिखाई दे। एंड उसके बाद में हमें बाय यू पिन उसे होल्ड कर लेना है। अब हम इसमें सॉफ्ट सॉफ्ट सी लाइंस क्रिएट्स करेंगे, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सी लाइंस क्रिएट करेंगे हम। आप सब देख सकते हैं इस तरह से। एंड हमें स्प्रे करते जाना है उसमें। इस तरह से। एंड अब हम फेस फ्रेमिंग के लिए एक फ्लिक्स निकाल लेंगे। बोथ साइड से हमें फ्लिक्स निकाल लेना है। एंड जो हमने टेम्पल सेक्शन छोड़ रखा था, उसमें भी हम छोटा छोटा रूट पर बैक कॉम करेंगे, स्प्रे करेंगे। एंड उसके बाद में हम इसे भी पुफ वाले हेयर के साथ मर्ज करते हुए बाय यू पिन इसे भी होल्ड करेंगे। एंड इसमें भी हम सॉफ्ट सॉफ्ट सी लाइंस क्रिएट करेंगे इस तरह से। आप सब देख सकते हैं इस तरह से हम इसमें भी एंड बाय यू पिन उसे होल्ड कर देंगे। एंड अगेन सेम टेक्निक के साथ हम इसमें भी वर्क करेंगे। इसमें भी हमें छोटा छोटा बैक कॉम करना है रूट पर इस तरह से। आप सब देख सकते हैं इसमें भी रूट पर बैक कॉम करेंगे। एंड उसके बाद में हमें स्प्रे कर लेना है। को भी हमें पफ के साथ मर्ज कर देना है। पफ के साथ मर्ज करने के बाद में हम इसमें भी सॉफ्ट सॉफ्ट सी लाइंस क्रिएट कर रहे हैं इस तरह से। ये बहुत ही ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल लगता है। आप इसे इंगेजमेंट में बना सकते हैं, पार्टी में भी बना सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसमें एक्सटेंशंस भी ऐड कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जो पोनी वाले हेयर हैं हमें इसमें भी छोटा छोटा बैक कॉम करना है रूट पर। एंड हमें पोनी वाले हेयर को भी कर्ल्स कर देने हैं इस तरह से सेम डायरेक्शन में। एंड इस तरह से पूरे पोनी वाले हेयर में भी हम कर्ल्स कर लेंगे, देख सकते हैं आप लोग। एंड इसमें भी सॉफ्ट सॉफ्ट सी लाइंस क्रिएट कर देंगे इस तरह से। एंड स्प्रे करते जाएंगे इस तरह से। एंड हमें जो फ्लिक्स वाले हेयर हैं उसे हमें कर्ल्स कर लेना है। तो आई होप आप सबको ये हेयर स्टाइल अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर करें इसे, बहुत ही प्यारा हेयर स्टाइल है और मुझे भी बहुत खुशी होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें मुझे। तो इसी तरह से नए नए हेयर स्टाइल सीखने के लिए बने रहें सोना हेयर स्टाइलिस्ट के साथ। तो मैं और भी हेयर स्टाइल लेकर के आने वाली हूँ मेरे चैनल पर। तो प्लीज़ आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इसी तरह से मैं बेसिक टू एडवांस चीज़ें बताती रहूँगी। तो स्टे ट्यून विद सोना हेयर स्टाइलिस्ट। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। थैंक यू सो मच।